जैसे कि इस चैप्टर का जो नाम है वह एंडोक्राइन सिस्टम है तो मतलब ये एक सिस्टम होता है बच्चों बॉडी में जिसका बहुत अलग अलग लाइक फंक्शन होता है जो हमारे बॉडी में ना बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है इससे पहले आप लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े हो क्लास सेवन में पढ़े हो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हो वो भी आप लोग पहले अ, मतलब सिक्स में भी पढ़ चुके हो सेवन में भी पढ़ चुके हो वैसे ही ना ये एक नया सिस्टम है जो कि शायद आप फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम ही आप इसको पढ़ रहे हो एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा नर्वस सिस्टम का अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं ठीक है ना जैसे कि हमारे बॉडी में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे मच्छर ने काट दिया तो ये मुझे फट से पता चलता है कि हाँ मुझे यहाँ पर मच्छर ने काटा है तो यहाँ पर ना बच्चों बहुत सारे नर्व्स होते हैं ठीक है नर्व्स नर्व्स कैसे दिखते हैं आप लोग पढ़े हो इस टाइप से रहते हैं ना ठीक है नर्व्स इस टाइप से रहते हैं यहाँ पर उसका नर्व प्लेट्स मतलब एंड प्लेट्स होता है तो ये नर्व्स रहते हैं बहुत सारे बहुत सारे नर्व्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं ये चीज़ के बारे में तो आपको पता है ठीक है बॉडी में और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सर्स इम्पल्सर्स का मतलब होता है मैसेजेस हमारे बॉडी में वो लोग मैसेज को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं तो उस चीज़ में तो बच्चों नर्वस सिस्टम काम आता है लेकिन अगर मैं बात करूँ हमारे बॉडी का ग्रोथ का मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी में जितने भी हो जो रिएक्शंस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स टूट के कोई दूसरा चीज़ बनेगा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है डाइजेशन में क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लोग टूटते हैं अलग अलग चीज़ हम लोग को देते हैं तो वो सब ना मेटाबॉलिज्म आप लोग बोल सकते ओ सब कोई मतलब वो मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड होता है ठीक है प्रोटीन टूट के कुछ और बनता है ठीक है फैट्स टूट के कुछ और चीज़ में कन्वर्ट होता है तो वो सब मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का काम है और जो हमारा बॉडी में जो ग्रोथ होता है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जैसे एग्जाम्पल हमारे बॉडी का टेम्परे टेम्परेचर को मेनटेन करवाना हमारा बोन्स फॉर्म होना हमारा दिमाग ठीक से काम कर रहे या फिर नहीं कर रहा है मतलब ये सब चीज़ों के लिए ना एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम जिसका आप लोग नाम यहाँ सामने में देख सकते हो ठीक है तो एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में जिसमें ना बहुत सारे ग्लैंड्स काम करते हैं अब ग्लैंड्स का जैसे कि मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दूँ जैसे कि बच्चों आप लोग सुने होंगे ना स्वेट ग्लैंड्स पसीना का ना थैली होता है थैली इन सेंस कैसे समझाऊँ एक मिनट अगर मैं स्वेट ग्लैंड का बात की तो जैसे ना हमारे बॉडी में ना इस टाइप से थैली थैली टाइप रहता है ठीक है ग्लैंड्स रहते हैं अब मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सको तो ऐसे ना छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ना पसीना रिलीज़ करते हैं मतलब वो लोग स्वैट रिलीज़ करते हैं मतलब पसीना स्वेट रिलीज़ करते हैं तो उसको मैं बोलूँगी स्वेट ग्लैंड वैसे ही ना हमारे स्किन में हमारे बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं ठीक है ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं वो लोग वैसे थैली थैली जैसे रहते हैं समझने के लिए बच्चों देखो थैली थैली जैसे रहते हैं जो कि ना ऑयल्स रिलीज करते हैं मतलब ऑयल को वो लोग रिलीज़ लो करेंगे ऑयल्स तो नहीं सॉरी ऑयल रिलीज़ करेंगे वो लोग तेल रिलीज करते हैं तो ये सब जैसे ग्लैंड होता है ना वैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक ग्लैंड होते हैं मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड कोई एक ग्लैंड नहीं है बहुत सारे ग्लैंड इसके अंदर आएंगे ठीक है ये लोग नहीं आएंगे ये लोग नहीं आएंगे ठीक है ये तुम्हें एग्जाम्पल के हिसाब से बताई एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब एक ग्लैंड नहीं होता बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चों ये लोग भी ऐसे थैली थैली टाइप आप लोग समझने के लिए समझ सकते हो कि ये लोग ना कुछ कुछ चीज़ें निकालते हैं जैसे कि यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड पसीना निकाल रहा था ऑयल ग्लैंड ऑयल निकाल रहा था वैसे ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना ये लोग अपने में से ना केमिकल्स निकालते हैं और उस केमिकल्स को हम लोग एक नाम दिए हैं, हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स क्या बोलते हैं हार्मोन्स तो हार्मोन्स क्या एक टाइप का केमिकल होता है जो कि हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है ठीक है हमारा बॉडी उसको रिलीज़ करता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स बोलते हैं और यही केमिकल्स यही हॉर्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है साथ साथ हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो सब भी यही चीज़ कंट्रोल करता है हाँ एंजाइम्स भी करते हैं पर वो अलग है फिलहाल हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है इसका डेफिनेशन तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड डक्टलेस क्या होता है मैं बताऊंगी आप लोग एक बार डक्टलेस को इग्नोर करो और ग्लैंड्स देखो ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम ऑफ ग्लैंडस होते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं दैट रेगुलेट रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना ठीक है तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं एक्टिविटी ऑफ सेल्स हमारे इस बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उनका एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है ये ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं एज वेल एज़ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गैन्स मतलब सेल के साथ साथ हमारे बॉडी में जो ऑर्गेन्स होते हैं जैसे कि आप लोग आ, बहुत सारे ऑर्गेन्स को आप लोग ले सकते हो ठीक है जैसे हमारा ब्रेन होता है और बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सबको जैसे पैनक्रियाज एक ऑर्गेन है ठीक है वो सबका एक्टिविटी को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं बाय रिलीजिंग सर्टन केमिकल मैसेंजर्स मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं बहुत सारे ग्लै ऑर्गन्स होते हैं उनका एक्टिविटी को ना ये एंडोक्राइन ग्लैंडस लोग कंट्रोल करते हैं क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं है? कैसे कंट्रोल करते हैं एक केमिकल निकाल के उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स और वो लोग ये केमिकल को कहाँ छोड़ते हैं हमारे खून में डायरेक्टली खून में छोड़ देते हैं सपोज ये खून है तो ये ग्लैंड्स लोग डायरेक्ट खून में छोड़ देंगे इनका मतलब जैसे किया ना बच्चों जैसे कि देखो मैं एग्जांपल समझाती हूँ जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है खून एक पाइप से जाता है ना आप लोग पढ़े हो आर्टरीज वेन्स ये सब क्या होते हैं एक टाइप के पाइप होते हैं ठीक है नस होते हैं ये सब तो यहाँ से खून फ्लो करता है लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ना अपना कोई ऐसे पर्टिकुलर ऐसे नस जैसा कुछ नहीं होता मतलब ऐसे कोई डक्ट ऐसे कोई पाइप नहीं होता यहाँ पर मतलब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोग जो हॉर्मोन्स निकालते हैं जो केमिकल निकालते हैं वो कोई अलग सा रास्ता से अलग सा पाइप से नहीं जाता है उसके लिए कोई अलग सा ऐसे डक्ट नहीं होता डक्ट मतलब वो पाइप जैसा आप लोग सोचो ठीक है तो हॉर्मोन्स लोगों को या एंडोक्राइन ग्लैंड लोग कहाँ छोड़ते हैं डायरेक्टली खून में ही छोड़ देते हैं खून के साथ ही वो मिक्स होकर अपना आगे आगे जाता रहता है ठीक है तो यहाँ पर बच्चों वही चीज़ दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड होते हैं डक्टलेस मतलब इनमें कोई ऐसे पाइप वाइप नहीं होता कि ये लोग अलग सा रास्ता से अपना केमिकल्स छोड़ेंगे अपना हॉर्मोन्स छोड़ेंगे इसलिए डक्टलेस बोल रहे हैं नो डक्ट मतलब कोई पाइप अलग से नहीं होता इनमें ठीक है दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेन्स बाय रिलीजिंग सर्टन केमिकल मैसेंजर मतलब ये लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं हमारा सेल का एक्टिविटी हमारा ऑर्गेन्स का एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करते हैं ये लोग बच्चों बाय रिलीजिंग सर्टन केमिकल मैसेंजर कुछ केमिकल्स को रिलीज करके उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन और वो लोग हॉर्मोन्स को कहाँ छोड़ते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में खून में ही वो लोग उसको रिलीज कर देते हैं उसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर डक्ट नहीं होता है तो यही सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और इस सिस्टम को बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम अभी यहाँ पर हॉर्मोन्स का एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि हॉर्मोन्स का मतलब क्या हॉर्मोन्स किसको बोलेंगे कैसे डिफाइन करेंगे अभी तक आपको पता चल गया है कि हॉर्मोन्स होते हैं कुछ मैसेंजर्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करता है अब पर्टिकुलर उसका डेफिनेशन क्या है देखो हारमोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेटेड का मतलब होता है रिलीज़ और इस चैप्टर में ना आप लोग ऐसे रिलीज वर्ड मत यूज़ करना सिक्रेटेड वर्ड यूज़ करना सो केमिकल मैसेंजर्स हारमोन्स क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कौन रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है और ये जो हारमोन्स है ये जो केमिकल है इनका काम क्या है ये लोग हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं कॉर्डिनेट करवाते हैं तालमेल बैठवाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं ना जो कि ना हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करवाते हैं जैसे कि आप लोगों का भी क्या चल रहा है टीनेज चल रहा है तो इस एज में ना आप लोगों में देखना आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर मैं एक चेंज का बात करूं तो चेंज इन हाइट या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो इंक्रीज जो होता है हाइट कम तो होता नहीं है बढ़ता है हाइट तो वो जो हाइट बढ़ता है बॉडी ऐसे एकदम चौड़ा हो जाता है बॉडी डेवलप होता है ग्रोथ होता है मसल्स का बाकी जो भी एटसेकट्रा एटसेकट्रा चीज़ें होती है वो सब के लिए भी ना ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं याद रखना हॉर्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो हॉर्मोन्स की वजह से ही आपके बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिलता है देखना बहुत बच्चे लोगों का ना मेंटल ग्रोथ नहीं होता बहुत बच्चे ना मेंटल रिटार्ड होते हैं मतलब दिमाग उनका उतना ज़रा डेवलप नहीं हो पाता थोड़ा दिक्कत आ जाता है वो भी हॉर्मोन्स की वजह से होता है पक्का उनकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स नहीं रिलीज़ हुए होंगे इसीलिए उनका बॉडी वैसा हो गया उनका दिमाग वैसा हो गया और बाकी लोगों का अगर नॉर्मली डेवलप हो रहा है मतलब उनकी बॉडी में ठीक ठीक हॉर्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं ऐसा भी होता है बच्चों सोचो पढ़ोगे आप लोग आगे में ठीक है तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं सिक्रेटेड बाय कौन सिक्रेट करता है कौन रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोग

फैट्स टूट के कोई दूसरा चीज़ में बदलता है प्रोटीन टूट के एटसेक्ट्रा एटसेकट्रा चीज़ में कन्वर्ट होता है पढ़े होगे आप लोग डाइजेशन वाले चैप्टर में आगे क्लासेस में मतलब लोअर क्लासेस में पढ़े हो आप लोग ठीक है प्रीवियस ईयर पढ़े होगे तो वो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सब हमारे लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब होता है तभी तो हम जिंदा है ना हम सरवाइव कर पा रहे हैं है ना तो मेटाबॉलिज्म का एक्चुअली मतलब होता है जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग कंडीशन ऑफ दिस सेल उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म और मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताइ ना वो आप लोग आराम से सोच सकते हो कंसिडर कर सकते हो ठीक है ओके okay. अब आया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो बच्चों हॉर्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्मोन्स जैसे कि हर एक इंसान का अपना पर्टिकुलर नेचर होता है करैक्टर होता है ना मतलब उनका अलग अलग पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वैसे ही जो हॉर्मोन है जो केमिकल है इसका क्या नेचर है क्या करैक्टरिस्टिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पक्का आ सकता है डेफिनेशन आता है एग्जाम में और करेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाता है ठीक है तो हॉर्मोन्स का है बच्चों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि नर्व इम्पल्स बहुत फास्ट काम करता है नर्व इम्पल्स मतलब यहाँ पर मच्छर काटा फट से आपको पता चल जाता है मच्छर काटा है लेकिन ये काम होने के लिए यहाँ से वो जो नर्व्स होते हैं यहाँ से मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन में फिर ब्रेन अलग नर्व से मैसेज छोड़ता है यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि हाँ हम लोग को यहाँ पर मच्छर काटा है ना ये कितना फास्ट होता है वैसे ही ना हॉर्मोन्स भी बहुत फास्ट काम करते हैं ठीक है हॉर्मोन्स भी बहुत फास्ट काम करते हैं लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्व इम्पल्स से ज़्यादा फास्ट करेंगे नहीं फास्ट करेंगे पर इसके कंपैरिजन थोड़े धीरे हैं ठीक है देन दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ये लोग ना स्मॉल क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होते हैं ऐसा नहीं है कि बॉडी एक बार में बहुत सारा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं नहीं एक बार में मतलब बॉडी ठीक ठीक क्वान्टिटी में स्मॉल क्वान्टिटी में बॉडी इसको प्रोड्यूस करता है ठीक है दे एक्ट ऑन सेल्स और ऑर्गेन्स लोकेटेड अवे फ्रॉम देअर सोर्स मतलब जैसे कि देखो आप लोग इसका मतलब क्या है जैसे कि यहाँ एक एंडोक्राइन ग्लैंड है मैं ईजी लिख रही हूँ ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड ये यहाँ से क्या निकाला हॉर्मोन निकाला क्या निकाला हॉर्मोन निकाला और ये हॉर्मोन जाके इधर एक ठो ऑर्गेन है यहाँ जाके ये हार्मोन इससे काम करवाएगा समझ रहे हो ना तो ये जो हॉर्मोन्स जो निकलते हैं यहाँ ये सोर्स है यहाँ से निकल रहा है लेकिन टारगेट ऑर्गन क्या है टारगेट ऑर्गन मतलब कौन से ऑर्गन के, के पास जाके ये काम करवा रहा है सपोज ये ऑर्गन के पास जाके ये हॉर्मोन मतलब एग्जाम्पल क्या है ना यहाँ पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड ये हॉर्मोन निकाला केमिकल निकाला ये केमिकल जा जाके जा जाके जा 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 खून के साथ गया 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 यहाँ पहुँचा ये ऑर्गन में और ये ऑर्गेन के पास जैसे पहुंचेगा इसको बोलेगा चल तू तो अपना काम स्टार्ट कर तू तो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देखो जो काम बोला गया था वो काम तू स्टार्ट कर समझ रहे हो ना तो ऐसा ही होता है तो यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि ये लोग जो है ये लोग वो सेल या फिर ऑर्गेन उस पर काम करेंगे विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम देयर सोर्स मतलब इनके सोर्स से जो दूर में सेल और ऑर्गेन है ना वो लोग जाके उस पर एक्ट करते हैं ठीक है टारगेट ऑर्गैन बोलते हैं हम लोग उसको दे आर डिस्ट्रॉयड सून आफ्टर their action एक्शन एंड नॉट in दी बॉडी जैसे इनका काम हो जाएगा अगर कुछ बच गए हैं तो ये लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारे बॉडी में मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी उसको स्टोर करके दो साल के लिए कि नहीं आगे जाके काम आएगा ऐसे करके नहीं रखता बॉडी उसको मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये लोग हमारे बॉडी में स्टोर हो नहीं रहते हैं ये लोग हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो नहीं रहते हैं इसको याद रखना दे कोर्डिनेट लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक सेक्शुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ना ये लोग मेनली कौन सी चीज़ में हेल्प करते हैं लॉन्ग टाइम प्रोसेस जो कि बॉडी में धीरे धीरे करके वो आगे जाके मतलब होता है ना कि हमारे बॉडी में ऐसे जैसे कि सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया ग्रोथ हो गया तो ग्रोथ एक बार में नहीं होता हमारे बॉडी में वो धीरे 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 करके होता है ठीक है ना वैसे ही बच्चों यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं लॉन्ग टाइम प्रोसेस को जैसे कि अपना सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया एंड ग्रोथ हो गया ठीक है अभी एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं मतलब इनमें ऐसा कोई पाइप नहीं रहता अलग से यहाँ पर भी मैं जो बताई हूँ ये अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये अगर हॉर्मोन्स निकाल रहा है तो ये अलग सा अपना एक तो अलग सा पाइप में उसके अंदर से हॉर्मोन्स को नहीं भेज रहा है ऐसा नहीं होता है ये क्या करेगा जैसे कि हॉर्मोन्स निकाला तो ये खून जो होता है ना ब्लड हमारा वो ब्लड में ही ये हॉर्मोन्स को छोड़ देगा और वही हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड में घूमते 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 ब्लड के अंदर वो घूमते 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 जाएगा और जहाँ टारगेट ऑर्गेन तक उसको पहुँचना है वो पहुँच जाएगा वो अपने आप पहुँच जाता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये डक्टलेस होते हैं इनका कोई अपना ऐसे डक्ट नहीं होता ठीक है पर्टिकुलर ऐसे पाइप सा नहीं होता जिसमें ये लोग हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं तो ये लोग जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो लोग कहाँ करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली खून में ही वो लोग रिलीज कर देते हैं तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बन गया पहला पूछा जाता है कि एंडोग्राइन ग्लैंड डक्ट होता है उनके पास कि डक्टलेस होते हैं तो हो गया डक्टलेस फिर ये लोग जो केमिकल रिलीज़ करते हैं उसका नाम क्या है उसका नाम होता है बच्चों हॉर्मोन्स कहाँ रिलीज़ करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ठीक है अब ये तो बहुत सिंपल होगा शायद डाउट तो कुछ होगा नहीं ठीक है अभी ग्लैंड्स अब जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी ग्लैंड्स थैली थैली जैसे रहते हैं जो मैं आपको ये एग्जाम्पल दी थी ऑयल ग्लैंड स्वेट ग्लैंड वॉट अब ग्लैंड्स बच्चों दो टाइप के होते हैं एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो आप लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हो कि डक्टलेस होता है मतलब याद रखना अगर कोई आपको बोला ना एंडोक्राइन ग्लैंड तो तीन चीज़ याद रखना पहला कि डक्टलेस होते हैं इनका कोई डक्ट नहीं होता दूसरा ये लोग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं तीसरा ये लोग खून में ही अपना डायरेक्टली हॉर्मोन रिलीज करते हैं ये चीज़ याद रखना ठीक है अगर कभी भी आपको टीचर भी पूछेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताओ तो आप लोग ये बोल सकते हो अब दूसरा होता है एग्जोक्राइन ग्लैंड ठीक ठीक है एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरा हो गया एग्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन एंड एक्जोक्राइन एंडोक्राइन एंड एग्जोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में आपको पता है थोड़ा एग्जोक्राइन के बारे में भी देख लेते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है जैसे कि एग्जोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना उसमें डक्ट होता है दीज आर दी ग्लैंड विथ डक्ट वो लोगों का अपना पाइप होता है उसी में वो लोग अपना जो भी उनको रिलीज़ करना है ना वो लोग उसको छोड़ते हैं तो ये लोग हॉर्मोन्स रिलीज़ नहीं करते हैं जैसे एंडोक्राइन के लिए आप पढ़े थे क्या रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स लेकिन एक्जोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज़ करता है क्या रिलीज़ करता है एनजाइम्स एंजाएं। और so, एंजाइम्स कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए है ना एंजाइम्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंजाइम्स क्या होता है एक टाइप के कैटलिस्ट जैसे होते हैं हमारे बॉडी में जो कि ना रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करते हैं मतलब इनके प्रेजेंस में रिएक्शन और जल्दी हो जाता है ऐसा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो लोग हॉर्मोन्स रिलीज़ करेंगे क्या नहीं करेंगे वो लोग क्या रिलीज़ करेंगे एंजाइम्स ठीक है और इनका डक्ट होता है अलग सा पाइप होता है जैसे कि जैसे कि स्वेट ग्लैंड अगर मैं बात करूँ पसीना वाला ग्लैंड वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ठीक है सपोज ये स्वेट ग्लैंड है और ये यहाँ से अपना रिलीज़ किया क्या रिलीज करेगा ये एंजाइम क्या रिलीज करेगा एंजाइम्स रिलीज करेगा तो ये जो एंजाइम रिलीज करेगा तो इसके लिए एक अलग सा डक्ट होता है ये अलग सा पाइप है उस पाइप में ये एंजाइम आराम से जाएगा लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या डक्ट था नहीं था ठीक है तो यहाँ पर दे रिलीज एंजाइम थ्रू डक्ट्स टू द टारगेट ऑर्गेन तो यहाँ पर क्या बोला है कि ये लोग एंजाइम्स रिलीज करते हैं किसके थ्रू थ्रू डक्ट एंड वो एंजाइम फिर कहाँ पहुँचता है जो टारगेट ऑर्गन में पहुँचना है वहीं पर वो जाएगा जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है सेलिवरी ग्लैंड ठीक है जो हमारे मुंह में होता है ये लोग टोटल छः होते हैं तीन पेयर वाले होते हैं हमारे मुंह में जो कि सलाइवा रिलीज़ करते हैं फिर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि बेसिकली हमारे पेट उड की तरफ होता है फिर यहाँ पर है स्वेट ग्लैंड पसीना वाला थैली जो कि ऑलमोस्ट हर जगह होता है ठीक है एटसेकट्रा uh, सेक्टर तो आप लोगों को याद रखना है कि एक्जोक्राइन ग्लैंड का एग्ज़ाम्पल क्या है ये लोग क्या रिलीज़ करते हैं मतलब एंजाइम रिलीज़ करते हैं इनमें डक्ट होता है और वो डक्ट ही एंजाइम को टारगेट ऑर्गन पे लेके जाता है और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है अब आप लोग पढ़ोगे एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड किसी बारे में आप लोग पढ़ रहे थे एग्जाम्पल आप लोग अभी तक नहीं पढ़े थे तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं तो आप लोग इसके एग्जाम्पल्स देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड ये पहला ग्लैंड बहुत अलग सा नाम है आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में बहुत सिंपल इसका काम होता है ठीक है सेकेंड होता है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड ये जो ग्लैंड होता है ना ये पाया जाता है किडनी के ऊपर ये हमारे सिर में पाया जाता है मतलब ब्रेन में पाया जाता है ठीक है फिर है नेक्स्ट थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड हमारे गले में पाया जाता है नेक एरिया में देन है पेनक्रियाज देखो पेनक्रिया जो होता है वो एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड का भी और एग्जोक्राइन ग्लैंड का भी आगे पढ़ेंगे हम लोग ठीक है पेनक्रियाज़ हमारे पेट के नीचे थोड़ा पीछे तरफ पाया जाता है टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन एरिया में मेनली मेल की बॉडी में पाया जाता है ओवरीज फीमेल के अंदर में पाया जाता है ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हेल्प करते हैं ये आप लोग ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स चैप्टर जो है शायद चैप्टर नंबर थ्री है वो लोग अगर आप वो चैप्टर पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा अगर नहीं पढ़े हो वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो आप लोगों को ना बच्चों एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे और एग्जोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे फिलहाल एग्जोक्राइन ग्लैंड्स का तो दो तीन ही याद रखना पर इस चैप्टर का नाम ही एंडोक्राइन ग्लैंड है तो इसका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप लोगों को ये सब नाम याद हो जाना चाहिए पूरा बहुत इंपॉर्टेंट याद होना अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है उनका डिफरेंस डिफरेंस भी आता है एग्जाम में और अभी आप लोग पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए ना डिफरेंस क्या है तो यहाँ पर बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड से यहाँ एग्जोक्राइन ग्लैंड से सबसे पहला बहुत सिंपल सा देखो ये ना जो आप लोगों को मैं पीछे बताई ना तीन पॉइंट आप लोगों को तीन पॉइंट को तीन डिफरेंस बना सकते हो जैसे कि ये है डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्राइन डक्टलेस होता है कोई डक्ट नहीं होता बट दीज आर द ग्लैंड विथ डक्ट्स ये जो डक्ट ये जो ग्लैंडस होते हैं एग्जोक्राइन वाले इनमें डक्ट होता है एंडोक्राइन क्या रिलीज़ करता है क्या सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स और ये लोग क्या करते हैं एंजाइम्स ये हुआ ठीक है उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखो ये भी नया चीज़ है रेस्पॉन्स टाइम इज़ स्लोअर सिंस द तो सिक्रेशन हैज़ टू तो बी कैरिड थ्रू ब्लड अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो रेस्पॉन्स टाइम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो हॉर्मोन्स निकालता है तो वो हॉर्मोन्स कितने देर में वो काम करेगा या कितना टाइम उसको लगेगा तो बोल रहा है इसके कंपैरिजन इनका थोड़ा टाइम जो होता है ना वो थोड़ा धीरे होता है मतलब थोड़ा धीरे ये लोग काम करेंगे किसके कंपैरिजन एक्जोक्राइन के कंपैरिजन क्यों क्योंकि ये लोग ना खून के साथ ये लोग जाते हैं अलग सा तो कोई पाइप नहीं है कि इनको फट से ले जाए है ना टारगेट ऑर्गन के पास तो इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो थोड़ा धीरे होता है क्यों धीरे होता है क्योंकि ये जो सिक्रेशन है जो हॉर्मोन्स हैं वो लोगों को खून के साथ जाना पड़ता है कोई अलग से तो पाइप होता नहीं है पर अगर मैं एग्जोक्राइन ग्लैंड का बात करूं तो यहाँ का रिस्पांस टाइम थोड़ा फास्ट है क्यों क्योंकि इनका अलग सा इनको पाइप दे दिया जाता है कि लो तुम लोग पाइप में फट से अपना भेज दो एंजाइम को फट से वो टारगेट औरगे के पास पहुँच जाता है बट इनको कोई अलग सा पाइप नहीं दिया जाता इनके पास होता ही नहीं है तो इनको थोड़ा टाइम लगता है वो ब्लड के साथ वो लोग फिर चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं ठीक है फिर है एंडोक्राइन के लिए बोला है कि ये लोग ना लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को मतलब लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को ये लोग कंट्रोल करते हैं जैसे कि सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया बॉडी का ग्रोथ हो गया जो लॉन्ग टाइम तक जाएगा लेकिन इनके लिए बोल रहा है कि ये लोग शॉर्ट टाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कैसे जैसे कि अगर मैं बात करूँगी ऐसे आप लोग खाना खा रहे हो तो हम लोग जब जैसे कि कोई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं चावल आप लोग खा रहे हो ठीक है बॉयल्ड राइस तो आप हमारे मुंह में जाते हैं ना तो वो हल्का सा वो मिठास बन आता है क्यों क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा होता है वो सलाइवा में क्या एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम लोग वहाँ पर उसको उसमें उसमें काम करते हैं और उसको वो लोग कार्बोहाइड्रेट से बोलो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है वो बस वो थोड़ा देर के लिए हुआ काम ख़त्म लेकिन ये जो है ये लोग जो होते हैं ये लोग लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं एग्ज़ाम्पल्स फिर आप लोग देख सकते हो एग्ज़ैम्पल्स तो कितना सारा है यहाँ पर देखो पिटूशरी ग्लैंड है देन पैनक्रियाज है थायरॉयड ग्लैंड है और भी बहुत सारे ग्लैंड है एडविनर ग्लैंड आप लोग मेंशन कर सकते हो यहाँ पर है पेनक्रिया सेलिवरी ग्लैंड स्वेट ग्लैंड अब आप लोग देखो बच्चों पेनक्रिया पेनक्रिया दोनों जगह कॉमन है क्यों कॉमन है ना क्योंकि पेनक्रिया जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम करता है और एक्जोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम करता है तो हम लोग ना ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा ग्लैंड का नाम बताओ जो कि या फिर एक ऐसा ऑर्गन का नाम बताओ जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा और एक्जोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाएगा एक्जोक्राइन ग्लैंड भी कहलाएगा तो वो कौन है वो है सिर्फ पेनक्रियाज़ ये पेनक्रियाज आप लोगों को दिख ना ये पेनक्रियाज आप लोगों को याद रखना है एग्जाम में पूछता है तो बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जो पेनक्रियाज होता है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है मतलब वो हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करेगा जब वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे एक्ट करेगा और वो एंजाइम्स भी रिलीज़ करेगा ठीक है मतलब वो दोनों रिलीज़ करेगा अगर हम लोग वैसे बोलेंगे कि पैंडोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअली ना उसमें दोनों पार्ट होते हैं मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग पढ़ोगे आगे में तो वो एंजाइम्स भी रिलीज़ करता है और वो हॉर्मोन्स भी रिलीज़ करता है ठीक है तो आप लोगों को ना ये चीज़ याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पक्का से पक्का से पूछा जाएगा और आप लोग देखना टीचर आपको फिर ये चीज़ क्लास में पूछेंगे भी मतलब वो डायरेक्टली आपको पहले क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा बताओ तो कि कोई ऐसा ग्लैंड है क्या या कोई ऐसा ऑर्गन है क्या जो कि दोनों के जैसा काम कर सकता है तो वहाँ पर आप लोग फट से ये चीज़ का आंसर दे सकते हो ठीक है अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना लेकिन मैं काम करती हूँ ना इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देती हूँ क्योंकि ये बहुत सारा जाएगा ठीक है तो ये तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पार्ट वन में पार्ट टू में आप लोग एक एक करके बाकी सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे बाकी सारे क्या पूरे ग्लैंडस के बारे में आप लोग पढ़ोगे सो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा बच्चों तो आप लोग उसको आराम से क्लियर कर सकते हो बुक को अच्छे से पढ़ना नोट्स को देखो मैं जो वीडियो बनाई हूँ उसको देखो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिलेंगे स्टिल अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हो और अब आप अभी तक आपको पता चल गया होगा मैंने मैथ्स मास्टरी लॉन्च किया है तो उसमें बच्चों वन टाइम फ़ी है दैट इज़ ओनली वन नाइन 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 आप लोग दो हज़ार भी उसको बोल सकते हो वन टाइम फ़ी ऐसा नहीं कि आपको मंथली मंथली उसमें पे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बच्चे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम वो हर मंथली हर मंथ पे करना पड़ेगा क्या तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो आपको बस एक बार बस वो कोर्स फी है वो, वो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितना आपको बोला गया एंड उसमें आप लोगों को बच्चों पूरे चैप्टर्स मैथ्स के मिलेंगे बस मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज बहुत बच्चों को डाउट था इस चीज़ में और अगर आप लोग अभी तक उस चीज़ को नहीं देखे हो ना तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों मैथ्स मास्टरी बहुत ही बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है आप सबको उससे क्योंकि आप सब मुझे बहुत समय से बोल रहे थे मैथ्स के ऊपर मैं आप वीडियो बनाने के लिए तो मैंने बस ये कोर्स वैसे लॉन्च किया है बाकी आप लोग देख लीजिएगा उस चीज़ को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शांड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा थैंक यू